हेलो स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे टर्न ऑन की। जैसे हमने देख लिया टर्न ऑन कैरेक्टरिस्टिक देख ली, अब हम देखेंगे इसको टर्न ऑन हम कर कैसे कैसे सकते हैं। मतलब थायरिस्टर की जैसे टर्न ऑन हमारे हाथ में होता है कि थायरिस्टर को कंट्रोल, उसको टर्न ऑन कब करना है, कैसे करना है, इट्स डिपेंड ऑन अस। तो हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो जो कंट्रोल कर सकते हैं, कंट्रोल सिग्नल इसमें होता है, जैसे हम सेमी कंट्रोल स्विच कहते हैं, वो होता है तुम्हारा गेट सिग्नल। तो गेट सिग्नल के थ्रू हम कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। अब इसमें हम तीन तरीके की मेथड हम देखेंगे। एक तो हमारा आता है फॉरवर्ड वोल्टेज ट्रिगरिंग, एक आता है हमारा DV/DT ट्रिगरिंग और एक आता है हमारा लाइट ट्रिगरिंग। देखिए, दो तरीके से हम कंट्रोल कर सकते हैं। या तो हम गेट सिग्नल को यूज देखें, एक होता है कि हम गेट सिग्नल को यूज ना लें, मतलब हमारा फॉरवर्ड ब्रेकडाउन वोल्टेज जो है उसी को ही बढ़ा दें, उसी को हम अगर हम फॉरवर्ड वोल्टेज यानी VAK, देखिए VAK को अगर हम VVO के बराबर ले जाएंगे तो भी हमारा थायरिस्टर ऑन हो जाएगा, जिसमें हमने हमारे गेट सिग्नल को कोई यूज नहीं लिया, लेकिन इसमें हमारे थायरिस्टर के खराब होने का डर रहेगा, ठीक है। और हमारे लॉसेज जो होंगे बहुत ज्यादा होंगे, क्योंकि हाई लॉसेज दिस मेथड इज नॉट प्रिफर्ड। इसमें हम क्या करते हैं, फॉरवर्ड वोल्टेज ट्रिगरिंग, मतलब जो एनोड कैथोड का जो वोल्टेज है उसको हम बढ़ाते जाते हैं और तब तक बढ़ाते हैं जब तक कि हमारा वोल्टेज ब्रेक ओवर वोल्टेज के पास ना चला जाए। जैसे ही हमारा वोल्टेज ब्रेक डाउन वोल्टेज के पास जाता है, हमारा थायरिस्टर अपने आप ऑन हो जाता है। लेकिन इस मेथड को हम प्रीफर इसलिए नहीं करते क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा लॉसेज होते हैं और थायरिस्टर के खराब होने का पूरा डर होता है। दूसरा होता है DV/DT ट्रिगरिंग, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ वोल्टेज को हम बढ़ा दें। मतलब जैसे अब इससे क्या होगा, अगर हम रेट ऑफ चेंज ऑफ वोल्टेज को बढ़ा देंगे तो हमारी जो आई होगी, मतलब जो तुम्हारी करंट होगी वो तुम्हारी बढ़ जाएगी, ठीक है। इससे तुम्हारी IA भी बढ़ जाएगी, क्योंकि IC ही तुम्हारी IA के बराबर है। तो जैसे ही तुम्हारी IC बढ़ेगी तुम्हारा IA बढ़ जाएगा, और IC कैसे बढ़ेगी, जैसे ही तुम्हारा CD/DT बढ़ेगा। तो DV/DT मतलब चार्जिंग करंट, क्योंकि इससे अगर तुम हाई DV/DT बढ़ाते हो तो तुम्हारा चार्जिंग करंट बढ़ जाएगा, ठीक है। IDV/DT का मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट, अगर तुम DV/DT को बढ़ाते हो तो तुम्हारा चार्जिंग करंट बढ़ जाएगा। चार्जिंग करंट बढ़ने से तुम्हारा जो लैचिंग करंट है वहां तक तुम्हारा एनोड करंट पहुंच जाएगा, और एनोड करंट जैसे ही लैचिंग करंट तक पहुंचेगा तुम्हारा थायरिस्टर तुरंत ऑन हो जाएगा, ठीक है। एक हम ये DV/DT मेथड भी यूज ले सकते हैं। इसी से बचाने के लिए हम स्नबर सर्किट यूज लेते हैं, क्योंकि स्नबर सर्किट हम इसी से बचाने के लिए यूज लेते हैं, हाई DV/DT से। फिर आता है तुम्हारा लाइट ट्रिगरिंग। अगर मान लो सपोज दैट कि तुम बहुत सारे थायरिस्टर हैं जो एक साथ चालू करने हैं साइमल्टेनियसली, एक ही टाइम पे बहुत सारे थायरिस्टर चालू करने, मान लो कुछ थायरिस्टर तुम्हारे सीरीज में लगे हुए हैं तो कुछ थायरिस्टर तुम्हारे पैरेलल में लगे हुए हैं, तुम चाहते हो कि सारे थायरिस्टर एक साथ चालू हो जाए, तो तब तुम ऐसे तो है नहीं एक एक को कि अगर सीरीज में लग रखे हैं सारे और सबको तुम बैटरी के अक्रॉस जोड़ते हो तो हर एक के पास एक टाइम से वोल्टेज आएगा, ठीक है, तो सब में टाइम लैग आएगा। लेकिन तुम चाहते हो कि सारे एक साथ चालू हो, तो सारे थायरिस्टर को फिर हम मेथड लेते हैं लाइट ट्रिगरिंग का, कि जिसमें हम क्या करते हैं कि सारे थायरिस्टर पे एक साथ एक ही टाइम पे सेम एनर्जी की लाइट पड़ रही होती है। तो जैसे ही थायरिस्टर इतने गर्म हो जाते हैं कि इलेक्ट्रॉन उनके कंडक्शन बैंड में चले जाएं, क्योंकि टर्न ऑन का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन तुम्हारा कंडक्शन बैंड में चला जाए। टर्न ऑन का मतलब कि वहाँ से करंट फ्लो होने लगेगा, करंट का फ्लो होगा तो तुम्हारा इलेक्ट्रॉन बैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में चला जाएगा, ठीक है। तो जैसे तुम्हारा इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में, तो कंडक्शन बैंड में जाने के लिए इलेक्ट्रॉन को क्या करनी पड़ेगी, एनर्जी देनी पड़ेगी। वो एनर्जी तुम्हारे पास कहाँ से आएगी, लाइट से आएगी, ठीक है। वो एनर्जी कहाँ से आएगी, लाइट से आएगी। तो जैसे ही तुम थायरिस्टर को ऑन करते हो तो उसके पास एक एनर्जी आती है जो लाइट से आती है। वो थायरिस्टर में इतना गर्म हो जाता है कि इलेक्ट्रॉन तुम्हारा कंडक्शन बैंड में चला जाता है, मतलब उसके पास इतनी एनर्जी आ जाती है जिसके कारण तुम्हारा थायरिस्टर क्या हो जाता है, टर्न ऑन हो जाता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन हेयर पेयर, मतलब जो तुम मैं फोटोवोल्टाइक सेल में देखते हो ना, वो वाला प्रोसेस तुम्हारा काम कर जाता है कि बैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में जाता है। तो यहाँ पर इन तीनों ही केसेस में हमने गेट सिग्नल को यूज नहीं लिया है। गेट सिग्नल को यूज ना लेके हमने हमारे थायरिस्टर को डायरेक्टली विदाउट यूजिंग गेट सिग्नल हमने हमारे थायरिस्टर को यूज ट्रिगर किया है। तो ये हमारे तीन मेथड थे थायरिस्टर को टर्न ऑन करने के, फॉरवर्ड वोल्टेज ट्रिगरिंग, DV/DT ट्रिगरिंग और लाइट ट्रिगरिंग। अब हमारे तीन मेथड आएंगे जो जिसमें कि हम गेट सिग्नल को यूज लेंगे और उसके थ्रू हमारे थायरिस्टर को ऑन करेंगे। लेकिन इन तीनों मेथड में हमारे दिक्कत है कि एक तो हमारे लॉसेज ज्यादा होंगे, दूसरा कि हमें थायरिस्टर के खराब होने का डर भी रहेगा। लेकिन यह है कि जैसे HVDC ट्रांसमिशन होता है, जब तुम्हारा हाई वोल्टेज DC ट्रांसमिशन होता है जो कि तुम्हारे रिमोट एरियाज में भी होता है, वहाँ पर तुम्हें थायरिस्टर लगाना है, तो वहाँ पर तुम बिल्कुल LACR यूज किए बिल्कुल आपके लिए मोस्ट सुटेबल ऑप्शन है, बिकॉज तुम रिमोट एरियाज में मैनुअल पावर को नहीं लगा सकते। रिमोट एरियाज में मैनुअल पावर कमी होती है, लेबर पावर नहीं, कम से कम यूज़ करना चाहोगे, ठीक है। तो उन एरियाज में हम अगर LACR यूज करते तो हमारे लिए बेनिफिशियल हो गया। थैंक यू स्टूडेंट्स।